तेज खबर पैनी नजर। सेम यानी भूमिगत जल से होने वाली वो समस्या जिसका दंश हरियाणा के किसान कई दशकों से झेल रहे हैं। भूमिगत जल जब जमीन के ऊपर आ जाता है तो जमीन दलदल का रूप ले लेती है। ऐसे इलाके में जमीन धीरे धीरे नमकीन हो जाती है, दलदल में बदल जाती है और कभी कभी तो तालाब का ही रूप ले लेती है, यहाँ तक कि बंजर तक हो जाती है। हरियाणा के साथ राजस्थान और पंजाब में भी भारी संख्या में किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं। प्रथला विधानसभा की अगर बात करें तो इस क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में सेम की समस्या है, जिसके कारण सैकड़ों एकड़ जमीन में फसल का उत्पादन नहीं हो पाता। एलनाबाद के दर्जनों गांव से जहां पिछले 50 साल से किसानों को भारी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, चक्रमंधोरी, नथुसरी, लुदेसर, मालिका जैसे कई और दूसरे ऐसे गांव हैं जहां पर सेम की समस्या के चलते भूमिगत जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। यहां कई गांव तो ऐसे हैं जहां खेतों में 12 महीने पानी भरा रहता है और खेत तालाब का रूप अख्तियार कर चुके हैं। किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मनोहर सरकार ने एक विस्तृत योजना बनाई है, जिसके शुरू होने पर किसानों को दशकों से चली आ रही इस समस्या से निजात मिल जाएगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को सेम और जलभराव की समस्या पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि सेम या वाटर लॉगिंग की समस्या से प्रदेश की करीब 4 से 5 लाख एकड़ जमीन प्रभावित है और इस समस्या से निपटने के लिए विस्तृत योजना बना ली गई है। इससे जुड़ा पोर्टल सरकार जनवरी महीने में लॉन्च करेगी और दिसंबर महीने में इस योजना का स्वरूप सामने आ जाएगा। योजना के तहत सबसे पहले 1 लाख एकड़ जमीन से वाटर लॉगिंग की यानी सेम की समस्या खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। जनवरी महीने से पोर्टल के माध्यम से किसान आवेदन कर सकेंगे और जो किसान सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे वहां काम शुरू करवा दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले डाल लेते हैं उन कुछ सवालों पर नजर जो आज हमने इतने इस कार्यक्रम के माध्यम से उठाए हैं कि ये समस्या क्या है, कैसे सरकार इसका निदान करने वाली है, उसकी बात करेंगे जिम्मेदारों से, एक्सपर्ट से बात। तो सेम वाटर लॉगिंग की समस्या कैसे पहुंचा रही है खेती को नुकसान, मनोहर सरकार करेगी समस्या का समाधान, अब खुशहाल होंगे किसान, कैसे मिलेगा सेम वाटर लॉगिंग की समस्या से छुटकारा, किसानों को समस्या से निजात दिलाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए, कई साल से आखिर सेम की समस्या से क्यों जूझ रहे हैं किसान, आखिर इतना वक्त क्यों लग गया किसानों को इस समस्या से दो चार होते हुए, क्यों सरकार और प्रशासन ने पहले इस मामले में कोई कदम नहीं उठाए। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि वाटर लॉगिंग और जमीन में सेम की समस्या से निपटने के लिए विस्तृत योजना तैयार है, दिसंबर महीने में योजना का स्वरूप आ जाएगा सामने और जनवरी महीने में सरकार पोर्टल लॉन्च कर देगी। इस पोर्टल के माध्यम से किसान आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश भर में करीब 4 से 5 लाख एकड़ जमीन में सेम की समस्या है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री की ओर से ये जानकारी दी गई कि जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से किसान आवेदन कर सकेंगे और आवेदन स्वीकार होते ही उस क्षेत्र में सरकार की ओर से काम शुरू कर दिया जाएगा। तो पानी की निकासी पाइप ड्रेन या वहां की मौजूदा परिस्थितियों के मुताबिक की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी है कि करीब 4 से 5 लाख एकड़ जमीन जो है सेम की समस्या की चपेट में है और ये समस्या कोई नई नहीं है, ये दशकों पुरानी समस्या है और सरकार इस पर बड़े स्तर पर काम कर रही है। विस्तृत योजना इसके लिए तैयार की गई है, दिसंबर में योजना का स्वरूप सामने आ जाएगा, जनवरी माह से पोर्टल शुरू हो जाएगा और पोर्टल के माध्यम से किसान आवेदन कर सकेंगे। फिलहाल शुरुआत में जो है 1 लाख एकड़ जमीन को सेम मुक्त करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। नंबर आपके सामने, इन नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी बात, अपनी राय, अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप भी या आपके गांव में भी आसपास के क्षेत्र में इस प्रकार की समस्या बनी हुई है, इस समस्या को लेकर समाधान के लिए सरकार की ओर से कोई कदम उठाया गया है और आपको इस समस्या से निजात मिली है, तो आप अपना जो अनुभव है वो भी हमारे साथ यहाँ पर साझा कर सकते हैं, या अभी भी अगर आप समस्या से दुचार हैं तो अपनी बात यहाँ रख सकते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कृषि विशेषज्ञ जसबीर तंवर जुड़
चुके हैं किसान जो हैं गौरव तेवतिया हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ। गौरव तेवतिया जो एक किसान है, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। तेवतिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सेम की समस्या है, ये किस प्रकार से जो है खेती किसानी को नुकसान पहुंचाती है और किस तरह से प्रभावित होते हैं किसान इस समस्या के चलते और कितने लंबे वक्त से ये समस्या जो है वो बनी है। जी, और आपके इस माध्यम से जो ये सेम की समस्या एक बहुत भारी समस्या हमारे लिए आप आ रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, बहुत शुक्रिया। 25 से 30 साल से हमारे तीन ये पलवल की विधानसभा है, उनमें बहुत बड़े करीबन करीबन अब गिनती के कई हजार खेतों में जो पानी होता है खेती को जो बिल्कुल नष्ट कर देता है, फसल को भी। खेत ऐसा सिस्टम बना देता है कि उसमें अगर हम हटाने के बाद भी 2 या 3 साल तक फसल कोई बोए नहीं होगी। हमारे एक यहाँ पर देसी भाषा में कहावत है कि उस साइड का पानी पीने से चिड़िया की भी मौत हो जाए, इतना बुरा हाल है फसल का भी। हमारी फसल में अब जैसे हमने अभी अभी चावल की फसल कटी है और उस गेहूं का टाइम था हमारा दिसंबर तक लास्ट रहता है, अब हम उसमें गेहूं नहीं बो सकते। जो हमारे खेत है जितने भी, अब की कोई जगह ना होने के कारण अब जैसे हतीन विधानसभा की है उसमें 1,000 एकड़ है, पर इसमें हमारे जो विधायक हैं प्रवीण डागर, उन्होंने करीब 53 बोरिंग का काम किया है जिसमें से कुछ 13-14 तो हुए हैं। ऐसा ही हम एक समस्या का ये हमारा हम कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि पिछला तेवतिया जी, अभी आपकी आवाज़ हमें नहीं मिल पा रही है, लगता है कोई तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है आपसे। जसबीर तंवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं। जसबीर जी से जान लेते हैं। जसबीर जी, ये समस्या जो है इसे आप किस तरीके से देखते हैं, इसके समाधान क्या हो सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं खबर पास्ट का धन्यवाद करना चाहूंगा जी। अक्सर मैं एक सवाल उठाया करता था, जैसे पिछले जो दिनों ये आंदोलन खत्म हुआ है, 3 कृषि बिल वापस हुए हैं, तो लोग अक्सर हमसे सवाल पूछते थे कि क्या रिफॉर्म की जरूरत नहीं है एग्रीकल्चर में, सरकार सुधार लेकर आई है तो क्या रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। तो मैं अक्सर कहता था रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन वो रिफॉर्म कुछ और है। जैसे आपने एक समस्या आज उठाई, ऐसी सैकड़ों समस्या है कि हरियाणा में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर अधिक पानी भरने के कारण फसलें खराब हो जाती है और किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छोटा सा प्रदेश, मेहनती लोग, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड, जिसकी इकोनॉमी हो, वहां पर हम एक ऐसा सिस्टम नहीं अभी तक बना पाए इतने सालों के बाद भी, 1966 के बाद, के जहां जल पानी ज्यादा भरता है और जहां सूखा इलाका है, हम एक मैनेज्ड व्यवस्था नहीं करा पाए। आप जिस योजना की बात कर रहे हैं, धन्यवाद करना चाहूंगा सरकार का, लेकिन दुख इस बात का होता है कि योजना सरकार और कितनी पार्टियां कितने नेता, ऐसा लगता है इसके बाद किसान की स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन उस योजना के पीछे जिस गंभीरता की जरूरत है वो नहीं होती। अब सरकार ने कहा कि जनवरी से पोर्टल खुल जाएगा और उस पोर्टल से हम समस्या का समाधान करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट को इंच का पता है कहाँ पानी भरता है। मेरे जो कैथल का उपजाऊ इलाका है, ग्रीन बेल्ट है, यहाँ हम पिछले 5 साल से लगातार एक मांग कर रहे हैं कि 80 बुटाना तो नहर निकली है। जो अनियोजित विकास हुआ है ये प्रदेश में, उस नहर ने सैकड़ों एकड़ को बरसात के पानी में धान तक डूब जाती है। मैं जो सवाल उठाना चाहता हूँ, सरकार को योजना बहुत बढ़िया है, मैं प्रोत्साहन देता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, बढ़िया, ऐसे कदम उठाने चाहिए, लेकिन उसके पीछे बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि समस्या का समाधान हमारा लक्ष्य है या किसान का मुद्दा नहीं। जैसे आप कह रहे हैं कि गंभीरता से विचार करना चाहिए, तो क्या अभी तक गंभीरता से समस्या को नहीं लिया गया? क्या जो अभी तक सरकारें आई उन्होंने इस समस्या को इतनी ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, इसके समाधान की तरफ कदम नहीं उठाया गया कोई भी, किसी भी सरकार ने? इससे पहले कांग्रेस, समस्या क्या होती है, किसान वोट बैंक समझ के निर्णय लिया जाता है, कभी कह दिया जाता है आपका बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, कभी आपके कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। एग्रीकल्चर सिस्टम में जो मतलब जिस आधार पर बदलाव हो, जैसे ये समस्या में मानता हूँ ये होना चाहिए, लेकिन कैसे, ये काम पोर्टल से नहीं, हरियाणा के बेहतरीन इंजीनियर्स को भेजा जाए और एक ऐसी योजना तैयार की जाए कि जहां पानी ज्यादा है, और मेरी आवाज मिल जा रही क्या आपको,
जहाँ पानी ज्यादा है वहाँ, जहाँ कम है वहां से वहां तक पहुंचाने की योजना बनाई जानी चाहिए। ऐसे इलाके जहाँ छोटी जैसे हाथी बुटाना खाली नहर पड़ी है हमारी, उसमें 3 साइफन दबा दिए जाए तो यहाँ दर्जनों, मैं कहता हूँ सैकड़ों किसानों की फसल बच सकती है, लेकिन सरकार सोचती नहीं। सरकार को प्रति एकड़ ये ठीक है, ये कमी किसकी है, सरकारों की है या काम करने वाले अधिकारियों की है, प्रशासन की है, इस पर बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, युधिष्ठिर जुड़े हैं, स्वागत है आपका युधिष्ठिर, बताएं हरियाणा में कहाँ से आप बात कर रहे हैं और रखें अपनी बात। मैं मैडम गोला डिस्ट्रिक्ट कैथल गोला आर्थिका से बात कर रहा हूँ जी। मेरे खेत में जो पहले से ही नहर का पानी लगता था, जिसका मैं मतलब बिल भी अदा करता था, जो सरकारी नहर थी जी, मेरे खेत तक नहर नहीं पहुंच पा रही मैडम। कुछ लोगों ने रास्ते में इनको रोका हुआ है, वो मेरे मेरे को पानी नहीं मिल रहा उसका, तो मैं अपना छोटा सा किसान मैं कहाँ जाऊंगा। आपने सिंचाई विभाग में इसकी शिकायत की? शिकायत तो तब करूंगा मैडम अगर मेरे साथी साथ भी, अकेला मैं छोटा एक छोटा सा जमींदार और मेरी समस्या को सुने भी ना तो मैं कहाँ जाऊँ। और ये समस्या कब से बनी हुई है, कब से ये रास्ता इस तरह से रुक के? ये मैडम समस्या तब से बनी है जब से बीजेपी सरकार ने ये जो छोटी नहरें थी अगर खेत तक निकासी की जो पक्की की थी, तब से मेरे को प्रॉब्लम हुई। चलिए बिल्कुल, हम यहाँ पर हम चाहेंगे पहले तो आप इस बारे में या तो सीएम विंडो पर शिकायत अपनी पहुँचाएं या फिर जो विभाग है, संबंधित विभाग है सिंचाई विभाग, उस तक अपनी बात रखें। नहीं कुछ होता है फिर आप दोबारा हमसे यहाँ पर रابطہ कायम कीजिए, जुड़िए हमसे, हम आपकी बात आगे तक ज़रूर पहुँचाएंगे और समस्या जो है आपकी उसको ज़रूर यहाँ पर हम उसका समाधान कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहन नायक एक और दर्शक कैथल से हमारे साथ जुड़े हैं। मोहन बहुत स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। नमस्कार मैम जी, नमस्ते। मेरा सवाल मैं जसप्रीत तंवर जी से, और सवाल ये है कि कुछ समय पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला की सरकार ने, यानी कि कांग्रेस सरकार ने, जब रणदीप सुरजेवाला यहाँ से विधायक हुआ करते थे, उस समय तेरगढ़ रतवाया यहाँ से निकाला गया था, जो कि गुणा हरिपुर और यहाँ से निकलते हुए क्रॉस करता था, लेकिन पिछले प्लान में देखा गया कि जो सैकड़ों एकड़ फसल जो बरसात के पानी में डूब कर जो है वो खत्म हो गई, लेकिन उस रजवाए का आज कोई यूज नहीं हुआ। आखिरकार सरकार क्या कर रही है, क्योंकि दोनों दोनों ही गांव में, पूना के गांव की बात करें, ग्रामवासियों की बात करें या हरिपुरा के ग्रामवासियों की बात करें, उसने पूरी संघर्ष तक की नौबत आ गई थी, लेकिन उनके खेतों से पानी जो है वो अब तक भी नहीं निकाला जा रहा, और चोड़क में भी एक समस्या साथ में बनी हुई है मैम। तो ये कब से बनी हुई है जल जमाव की समस्या, लंबे वक्त से है या फिर अभी कुछ वक्त ही हुआ है? नहीं मैम, इस समस्या को कम से कम भी 8 से 10 साल हो चुके हैं इस समस्या को बने हुए। और कितने एकड़ भूमि जो है इसकी चपेट में है जहां पर जल जमाव हुआ है? मैम लगभग अगर बात करें तो 400 से 500 एकड़ फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है हर बार मौसम, और कोई समाधान नहीं हो रहा है। शिकायत आपकी तरफ से की गई किसी भी विभाग को, जनप्रतिनिधि को? मौके पर दोनों ही गाँव में पूरी संघर्ष तक की बात आ गई। मौके पर आला अधिकारी जो प्रशासन है वो भी मौके पर पहुंचा था, तमाम अमला तपला देखकर, लेकिन उसकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ और हर बार प्रतिक्रिया देखी जाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी बात जो है हम ज़रूर ऊपर तक जो जिम्मेदार हैं उनके कानों तक पहुंचाएंगे ताकि ये समस्या जो है जल्द सुलझ सके। फिलहाल यहाँ पर जो हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं जसबीर तंवर, उनसे जान लेते हैं कि अगर इस तरह की समस्या से किसान परेशान हैं तो उनके पास जो है समाधान का क्या रास्ता है, कहाँ जा सकते हैं सबसे पहले, किस स्तर पर अपनी बात उनको रखनी चाहिए पहले? देखिए जो सरकारी तंत्र है इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जिस अभी मोहन जी ने जिस समस्या को उठाया था मैं सुन रहा था, इनकी मुझसे पूछ रहे थे, मेरे गांव का जिक्र भी किया उन्होंने केवड़क का, जो सीएम साहब ने गोद लिया हुआ है। आप समझिए जो सीएम साहब ने गोद लिया हुआ गांव है, हम उसी गांव के लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिले, 2-3 साल तक एप्लीकेशन हम देकर आते हैं और एप्लीकेशन सड़ जाती है, कोई उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कितना छोटा सा समाधान, हमने अनुमति मांगी थी कि जो खाली नहर है, जो हाथी बुटाना नहर है, ये खाली पड़ी है, यहाँ पानी नहीं आ रहा है, वो विवाद पहले से हरियाणा पंजाब का पानी का, जो खाली नहर है हमारे लोगों को जब बरसात का सीजन आता है और पानी भर जाता है तो उसे सिर्फ उसमें निकालने के लिए छोटा सा समाधान के 3-4 साइफन आप दबा दीजिए, वो 5 साल से आप अगर उसे हम अब आप समझ कह रहे थे कि कहां जाएं, तो दूसरा एक तरीका है कि अधिकारियों के पास जाए, प्रोसेस तो यही है हमारे देश के कानून की, आप अधिकारियों के पास जाए, अधिकारी गंभीरता से लेंगे और वो उसे करें, या फिर सरकार पर दबाव बनाओ, सरकार की तरफ
से आदेश आए, दोनों हम कर चुके हैं। तीसरा तरीका अगर किसान खुद करता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। बिल्कुल गौरव जी से मैं चाहूंगी जरा वो भी इस समस्या पर अपनी बात रखें। अभी जिस तरीके से दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि शिकायत भी की गई लेकिन अभी तक समाधान कोई नहीं किया गया है, इससे कितना नुकसान जो है हमेशा किसानों को उठाना पड़ता है। ये जो प्रशासन की लापरवाही है या सरकारी तंत्र की जो हीलाहवाली है वो कितनी ज्यादा भारी पड़ रही है किसानों को, इस पर मैं बात करूंगी। एक दर्शक आरके कालिया हमारे साथ जुड़े हैं अंबाला से, स्वागत है आपका कालिया जी, रखें अपनी बात। जी नमस्ते। देखिए मैं राजनीति से ऊपर एंड अबव होकर बात करना चाहूंगा। हमें किसानों से हमदर्दी है, किसानों ने बहुत बड़ा दुख झेला है, बहुत बड़ा आंदोलन इन्होंने किया है और कामयाब हुए हैं। हमारी भी हमदर्दी इनके साथ है। हालांकि मैं मुलाजम हूँ, मैं तो सरकार से ये अपील करूंगा इनकी जो हर समस्या का समाधान हो, इनको मुआवजा मिले जी, तभी तो हमें ये हुआ कर देंगे। हम तो मुलाजम आदमी है, हमें इनसे हमदर्दी, हम तो यही मांग कर सकते हैं सरकार से। एक गुजारिश में आपसे एक और नहीं करना चाहूंगा दीदा, कभी आप हमारे कर्मचारियों का मुद्दा उठाइए। आप जो ओल्ड पेंशन स्कीम है हमारी, हमारी पेंशन बंद कर दी गई है भाजपा के समय में, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये भी कभी कोई मुद्दा उठाइए मुलाजमों का। बिल्कुल बिल्कुल काले जी, हम बिल्कुल ये प्रयास करेंगे, इस मुद्दे को भी जरूर उठाएंगे और जो जिम्मेदार है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या फायदे और क्या नुकसान। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। गौरव जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जरा बताएं कि ये जो समस्या है, सरकार सेम की समस्या का निदान करने की तो बात कर रही है लेकिन ये समाधान कैसे होगा जब वही तंत्र ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है, अधिकारी अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कितने समय से जो है आप भी इस तरह की चीजें देखते हुए आ रहे हैं या खुद आप भी भुक्त भोगी रह चुके हैं इस तरह के हालात के? जी बिल्कुल, यहाँ पर काफी बड़ी बहुत बड़े तबके पर है। हमारे जिले के 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी और 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो ये बहुत बड़ी है। हमारी साइड क्या होती है, इलाहाबाद साइड होती है, केतल में होती है जैसे बताते हैं। तो एक आतंकी जैसे पड़ी हुई है। समस्या का निपटान तो एक ही तरीका है, जैसे में किया गया है उसकी स्वरूप ये एक कनाल में डाला गया है पानी, कुछ बोरिंग किए गए है। जैसी बोरिंग हो उसका मतलब पाइप से अगर उसकी पानी निकासी हो, ऐसी समस्याएं अगर हट जाती है तो किसान, मध्यम वर्गीय किसान जिसकी 4 एकड़ जमीन हो, 5 एकड़ हो, की समस्या सबसे बड़ी हो जाती है कि अगर वो अपने गेहूं के लिए भी, अपने खाने के लिए भी अनाज पैदा नहीं कर सकता, वहां पर जब 4-5 एकड़ का उसी का सैम में आ जाए तो वो अब गेहूं की बजाय, अभी भी फिलहाल अगर आपने ये समस्या उठाई है ये तो बहुत बड़ी है हमारे लिए भी। और आपके धन्यवाद करता हूँ इस चीज का कि जो ये बहुत कम ही इस समस्या को कुछ पहले, यही समस्या हमारे पिरथले विधानसभा में, पिरथले गांव में ही भगौला गांव है, तो इनके साथ एक कैनाल है आगरा कैनाल की नाली है, जैसे एक हमारे टाइप में एक माइनर है छोटा सा, उस माइनर में डाला जाए। ऐसी अगर जैसे ये विधानसभा हतीम के विधायक करते हैं इस पर बहुत बड़ी समस्या से निजात मिलाई है। समस्या अगर हमारे जितने भी सरकारी तंत्र, अगर हमारे जैसे चेयरमैन है अपन नैन पाल रावत जी, वो ऐसे होने में कोई बड़ी बात ही है? सरकार के आगे इतना कोई बड़ा काम नहीं है कि ये जो नहीं हो सकता, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई ये काम नहीं होगा, संभव नहीं है। संभव है करने की नियत हो और हमारे जनप्रतिनिधि को उससे सीरियस ले कि का मध्यम वर्गीय किसान कहां जाए, कहां है इतना हाल कि अपने गेहूं के लिए भी जानना चाहूंगी कि क्या अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस समस्या का समाधान करने की ओर कोई कदम नहीं बढ़ाया गया है किसी भी सरकार की ओर से? क्या आपने मुझसे सवाल किया था? जी जी देखिए मुझे तो नहीं लगता, जैसे हम पिछले 10-15 साल से तो देख ही रहे हैं किसी सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। पिछली 2 कांग्रेस की सरकार चली गई या पिछली भाजपा की सरकार चली गई, सिर्फ किसान को अभी तो थोड़ा आंदोलन के कारण हम चर्चा में हैं, ये भी सौभाग्य की बात है। मैं इसे देखिए, एक बार आपका धन्यवाद चैनल के आपने इतनी इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने उठाया है, इस पे मैं कहना चाहूंगा इसका समाधान क्या है। देखिए सिर्फ पोर्टल से काम नहीं चलेगा, स्वागत है सरकार ने शुरू किया इस बात का भी, लेकिन
कृषि मंत्रालय के अधीन एक कोई विभाग बनाए, मतलब आयोग बनाए, समिति बनाए या कमेटी बनाए, जिसको एक लिमिट दी जाए, टाइम लिमिट के तहत उसे कहा जाए कि 22 के 22 जितने जिले हैं हरियाणा के उसका सर्वे कराया जाए। सर्वे तो वैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है ही है, लेकिन हर जिले की अलग समस्या, उसका समाधान भी अलग है। कहीं पानी बरसात के कारण, जैसे सेम की समस्या आप कह रहे हैं, कहीं भर जाता है, कहीं सिर्फ बरसात में निकासी ना होने के कारण खड़ा हो जाता है पानी, तो ये अलग अलग समस्या और अलग अलग समाधान है। तो हर ये समस्या, जैसे खुद मुख्यमंत्री ने कहा, ये कोई नई बात नहीं है, नई समस्या नहीं है और लंबे वक्त से ये बनी हुई है और वक्त वक्त पर इसके समाधान के उपाय करने की बात भी सरकार की ओर से की गई। जैसे प्रथला विधानसभा के कई गांव जो है इस समस्या से जूझ रहे थे, यहाँ पर अटल भूजल मिशन के तहत योजना बनाने की सरकार ने बात कही थी, माइक्रो सिंचाई विभाग इस योजना का क्रियान्वयन करने वाला था, क्या इसके तहत कुछ काम किया गया, मैं ये जानना चाहती हूँ। एलनाबाद के गाँव को भी से मुक्त कराने के लिए बोरवेल योजना शुरू करने की बात की गई थी, क्या ये योजना शुरू हो पाई? मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए मिट्टी विशेषज्ञों से जो है बातचीत करने या फिर उनसे कंसल्ट करने की बात हुई थी, क्या इस और भी सरकार बढ़ी, प्रशासन बढ़ा, या फिर ये बात सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित रही, जमीन स्तर पर कोई काम नहीं हुआ? निश्चित आपने जो कहा वो शब्द ऐसा ही है कि जो कुछ हुआ वो कागजों में हुआ होगा, हमारी जानकारी में नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ एलनाबाद और प्रिथला का भाई साहब बोल रहे हैं कि उस वहां पर समस्या है, मैं यहां से बड़ौदा उपचुनाव हुआ था, जिस समय उपचुनाव चल रहा था पूरा हंगामा मचा हुआ था, सारा राजनीतिक अमला वहां पर था, हमारी कुछ किसानों की टीम वहां पर गई, वहां पर कई इंची पाइप से, और वो कह देते हमारा कईयों मतलब कई दशकों की समस्या है, वहां ये समस्या है। आप जींद से रोहतक की तरफ जाओगे, जुलाना से आगे निकलोगे तो दोनों तरफ सड़कों पर देखिए, कोई छुपी हुई बात नहीं है, दोनों तरफ पानी भरा आपको दिखेगा। हमारे इलाकों में देख लीजिए, मेरे कहने का मतलब कोई भी सरकार आती है, मेरी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी से एक अपील है और आपके माध्यम से अपील है, गंभीरता से एक टीम बनाई जाए और एक प्रोजेक्ट, पूरा प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के तहत के कैसे सूखे इलाकों में जहां पानी ज्यादा है वहां पर पानी पहुंचाने की योजना बने, चाहे वो नहरों से जोड़ा जाए, बहुत सी नहरें खाली भी पड़ी है उनका उपयोग हो जाएगा या फिर नया कुछ निकाला जा सकता है। दूसरा, फसलों पर मैं आपसे एक चीज सवाल करना चाहता हूं, सरकार कहती है धान ना लगाए, कहीं भी धान नहीं, क्या जहां पर जो हरियाणा की जमुना बेल्ट है जहां पर चोवा बिल्कुल ऊपर है मतलब जल स्तर, वहां पर धान क्यों ना लगाई जाए, जहां जल ज्यादा भरता है वहां पर सरकार क्या करती है, कहीं धान नहीं लगानी, लगानी है तो सब जगह लगानी है, जहां जल ज्यादा है वहां धान लगाओ भाई, जहां सूखा है वहां मत लगाओ भाई, इस तरीके से योजना बनानी चाहिए। और कौन सी फसल, जैसे गन्ने की फसल है, गन्ना और धान ऐसी फसलें हैं जो ज्यादा पानी को झेल सकती हैं, तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि कहां कहां हमें ये फसलें करानी और कहां कहां वो करानी है। दूसरा, प्रति एकड़ पे अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट एक योजना मुझे बता रहा था, एक मेरा साथी, अभी वो आई नहीं है पूरी तरह से, कि हर 10 एकड़ पर कोई तालाब के लिए जगह देगा तो वो उसको खुद देनी पड़ेगी। सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए किसानों को, हर 10 एकड़ पर तालाब हो। तो आप मानते हैं कि जो योजनाएं भी बनाई जा रही हैं सरकार की ओर से, विभागों की ओर से, उनमें भी कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, उसे भी दूर करना चाहिए और बैठ करके लोगों से सलाह लेके जी बारीकी से इन सभी चीजों को देखे जाने की जरूरत है। जल्दी से अंतिम एक प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी गौरव तेवतिया जी आपसे, कि आप किस तरीके से मानते हैं समाधान निकलना संभव है। जमीनी स्तर पे अगर काम हो तो जैसे कुछ भी हमारे जो जनप्रतिनिधि है, ऐसे योजना को हमारे सीएम साहब ने जाके कर दिया, आप इसे लॉन्च कर रहे हैं, ये स्तर पर उतारा जाए जी, ये तो संभव है। अब एक करे और बाकी कोई काम ना कर पाए तो फर्क यही है सबसे बड़ा, कि कुछ जनप्रतिनिधि इसको सीरियस, बिल्कुल अमली जामा पहनाया जाना बहुत जरूरी है इन योजनाओं को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा सरकार बड़े स्तर पर सेम और वाटर लॉगिंग की समस्या से निपटने के लिए योजना बना रही है। प्रदेश के करीब 4 से 5 लाख एकड़ जमीन इस समस्या की चपेट में, और सरकार ने सबसे पहले 1 लाख एकड़ जमीन को समस्या मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। पाइप ड्रेन या क्षेत्र की मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से पानी निकासी की जाएगी। उम्मीद है कि कागजों पर जो योजना सरलता से बनाई गई है उतनी ही सरलता से उसे जमीन पर भी उतारा जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।